कहाँ चल रही है घूमने? कहाँ घूमने जा रही है? कितने आराम से इसको बैठा दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ क्योंकि आज है मुझे जाना और मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख लेना। मैं अभी रेडी हो गई हूँ और अभी मैं निकल रही हूँ, इसीलिए बहुत जल्दी में हूँ। तो मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ आपको तो पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं अपने मैके जा रही हूँ। तो अभी मैं निकल रही हूँ, तो पूरे रास्ते मेरे साथ बने रहिएगा। मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे सारे रास्ते में मैंने ट्रेवल किया। और शानवी भी हमारे साथ जा रही है, तो बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आगे का ब्लॉग। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो चलिए, तो गाइज आप देख रहे हो शानवी भी रेडी हो गई है। उसको रेडी करने में बहुत टाइम लग गया और फिर रेडी होने के बाद शानवी और शुभम दोनों ही बैठे हुए हैं। और गाइज ये मैं खोइचा ले रही हूँ। जब भी हमारे यहाँ बिहार में या फिर बाहर में भी होता होगा मुझे नहीं पता है, बट हमारे बिहार में ये कल्चर है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी सासू माँ या मम्मी जो भी है वो खोइचा देती है हम लोगों को। तो मैं अभी खोइचा वगैरह ले रही हूँ। देख रही है कहाँ जा रही हो बिट्टू? कहाँ चल रही है घूमने? कहाँ घूमने जा रही है? तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ अपने मायके के लिए। मैं जा रही थी, हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अभी जाने में। हम लोगों को कम से कम 5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं जाने में, तो इसलिए शुभम मुझे हमेशा मना करते हैं जाने के लिए कि बहुत दूर पड़ता है, तुम क्यों जिद करते हो जाने को। लेकिन बट मायके मायके होता है यार, मायके तो किसको मन नहीं करेगा जाने का, है ना। और शानवी भी फर्स्ट टाइम अपनी नानी के यहाँ जा रही थी। तो गाइज यहाँ पे हम लोग अभी खाने के लिए रुके हुए हैं। ऐसे मम्मी ने बोला था कि कहीं खाना मत खाना, आके घर पे खाना, लेकिन हम लोग को काफी लेट हो गया है। तो हम लोग अभी जाएंगे, तो सोचे थे पहुँचेंगे तो खाएंगे, बट अब काफ़ी लेट हो गया तो हम यहीं पे कहीं पे खा लेंगे। तो आइए, शानवी जो है अभी एकदम इंजॉय कर रही है, इसको काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद बाहर निकली है तो खिड़की से बाहर देख रही है एकदम सारी चीज़ों को, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है ना शानवी? अच्छा लग रहा है ना बेटू? गाइस बच्चों को लेकर बाहर आने का मतलब है इतनी परेशानी। लेकिन
लेकिन अच्छा भी लग रहा है शानवी को, एकदम बाहर दे देखिए, बाहर देख रही है और कंटिन्यू बोले जा रही है। कहाँ गए बिट्टू? देखो ना मम्मी क्या कर रही है। शानवी, शानवी को तो अभी कुछ खाना नहीं है, तो देख देख के परेशान होगी। सब इतना कुछ खाता है और हमको सिर्फ दूध मिलता है, इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं है ना बिट्टू। इसको कहाँ पे बैठा दिया? तो गाइज़ ये एक नया रेस्टोरेंट है जो दरभंगा में नया ही नया खुला हुआ था, तो हम लोग उसी जगह रुक के और हमने लंच किया। काफ़ी अच्छा मुझे ये रेस्टोरेंट लगा। इसकी इनॉग्रेशन 11 सितंबर को ही हुई थी, तो मुझे इसका जो डेकोरेशन था मुझे अच्छा लगा। जो यहाँ पे गन्स वगैरह लगाए हुए थे, पता नहीं ये ओरिजिनल थे कि क्या थे, मुझे नहीं पता, बट देखने में तो पूरा ओरिजिनल ही लग रहा था सारे। और शुभम उसको शानवी को पूरा घुमा रहे, और शानवी तो एकदम देख कर इतनी खुश हो रही थी। गाइस मैं बता दूँ आपको, इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ें जब अभी ये देख रही है ना, तो इसे अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी खुश हो रही थी सारी चीज़ों को देख के। मुझे भी ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए शानवी को शुभम ने ऐसे बैठा दिया है, कितनी क्यूट लग रही है यहाँ पे बैठ के, तो मैंने इसका शॉट ले लिया। काफ़ी क्यूट लग रही थी बैठी हुई थी। इसको भी बाहर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहली बार ये जब से 3 मंथ्स के बाद थोड़े बच्चे अंडरस्टैंडेबल होने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को समझने लगते हैं, तो इसको काफ़ी अच्छा लग रहा था सारी चीज़ों को देखकर। और गाइस ये देखिए, ये गन मैं दिखाऊं आपको, पूरे सीनरी में टाइप बना के इन्होंने लगा रखा था। पता नहीं ये क्या था, ओरिजिनल था या डुप्लीकेट था, बट देखने में तो एकदम ओरिजिनल ही लग रहा था। आयो मुझे नहीं लगता कि ये ओरिजिनल रहा होगा, बट जो भी है, काफ़ी इनका डेकोरेशन थोड़ा यूनिक लग रहा था। और मेन्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ के, मैंने देखा था मेन्यू, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। प्राइस वगैरह भी इसका अच्छा था। और हमने ये लंच अपना मंगाया था जिसमें मैंने वेज बिरयानी, और शुभम ने ही ऑर्डर किया था क्योंकि मैं तब तक शानवी को रखी थी, तो शुभम ने मुझसे पूछा था, तो हमें नॉनवेज खाना नहीं था, तो मैंने नॉनवेज मना कर दिया, वेज में बोला जो भी तुम्हें ऑर्डर करना है कर दो। तो उन्होंने पनीर का ही आइटम ऑर्डर किया। और गाइस खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े अपने रास्ते की तरफ, अपने मंजिल की तरफ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी कि मैं मैके जा रही हूँ। और गाइस देखिए हम लोग अभी रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए, मिठाई लेनी थी हमें, तो अभी शुभम गए हैं मिठाई लेने के लिए। और शानवी जो है वो काफ़ी इरिटेट हो रही है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, एक जगह रह रहा है कि ये बोर हो रही है, इतना ज़्यादा बोर हो रही है, परेशान हो रही है पूरे तरीके से। अभी थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कस के, और अभी बेचारी थक गई, चिल्ला चिल्ला के बस थक ही सी गई है ये। मैं बता दूँ आपको, जब हम लोग खाना खा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये हम लोगों को खाना खाने देगी कि नहीं खाने देगी उस वक्त भी, लेकिन ये सो गई थी उस जगह, मैंने सोफ़ा पे सुला दिया था इसको। तो उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी खा के निकल गए, नहीं तो ये अगर जगी रहती ना तो हमें और टाइम लग जाता, खाने ही नहीं देती जल्दी, है ना शानवी बिट्टू। और मैं बता दूं आपको, आज ये इतना ज़्यादा वॉइस निकाल रही, इतना ज़्यादा चिल्ला रही है
मतलब इसको लग रहा है जैसे कुछ एक्साइटमेंट सा इसको लग रहा है कि कहाँ जा रही है। इतने छोटे बच्चे को इतना एक्साइटमेंट मैंने पहली बार देखा, इतनी ज़्यादा खुश थी ये। जब घर से भी निकल रही थी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, और अभी भी अभी थोड़ी देर पहले भी बहुत कस कस के चिल्ला रही थी। ये अपनी फेवरेट नानी के पास जा रही है ना, है ना बेटू। जब इसका जन्म भी हुआ था तो पहली बार मम्मी ने ही इसको गोद में लिया था, मतलब शानवी की नानी ने ही गोद में लिया था। तो अभी जाएगी अब नानी को अच्छे से, उस समय तो बहुत छोटी थी तो नानी से ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी। अब तो थोड़ी बड़ी हो गई है तो अब जाएगी तो नानी से भी बात करेगी, है ना शानवी। नानी से बात करोगी ना बेटा। इसकी बातें कोई सुन नहीं रही थी तो बेचारी सो गई अभी। शानवी कुछ बोल दो, बोल भी दो कुछ। शानवी कुछ बोल दो बेटा। नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। तो गाइज मैं अब अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और गाइज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा ब्लॉग आपके पास आ जाए। तो गाइज़ अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी अपने मैके का। आपने मेरे ससुराल को तो देखा ही है, मेरे मैके को भी देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।